सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिंदुस्तान अगर चाहेगा तो ये सब तमाम चीजें जिन पे नजरें अभी रखनी होंगी। भारत के लिए मुश्किलें तो बढ़ने वाली है, लेकिन किस हद तक भारत उसको काउंटर करता है, क्योंकि काउंटर करने की भी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। रूस से बातचीत हुई है, इसके पहले यूएई से बातचीत की है, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में शामिल था, उन तीन देशों में शामिल था जिसने पिछली बार तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज किया था। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के देश थे, तो यूएई से बात किया गया है। पाकिस्तान आपके पक्ष में भले ना हो, लेकिन दूसरे देशों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन भारत के लिए चुनौती आईएसआई का जाना वो तो है ही, लेकिन पाकिस्तान और चीन है तालिबान की जहां तक बात है, क्योंकि दोनों देश आज की तारीख में तालिबान के बहुत करीब है। रूस के जरिए आप पाकिस्तान और चीन को काउंटर कर सकते हैं। दूसरे देश जो मध्य पूर्व के देश हैं जिनका संबंध अफगानिस्तान और तालिबान से बढ़िया है, उनके माध्यम से आप काउंटर कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना हो। बिल्कुल। और नीरज, जिस तरह से अब तालिबान की ओर से कोशिश की जा रही है अपनी छवि सुधारने की, तो क्या वैश्विक मान्यता भी मिल पाएगी? सरकार तो चलिए बन जाएगी, ये भी एक सवाल है। देखिए, वैश्विक मान्यता की जहां तक बात है, वहां की सरकार की या विभिन्न देश, वैश्विक मान्यता का अर्थ क्या? वैश्विक मान्यता में अगर ज्यादातर देश अपने राजनयिकों को वहां से वहां रहने देते हैं, काबुल में वहां अपने दूतावास को संचालित करते हैं, ना कि दोहा के माध्यम से संचालित करें, तो एक तो मान्यता वो मिल सकते हैं, बहुत देशों की तरफ से वो मान्यता मिल सकते हैं। बहुत देशों ने अभी तक अपने दूतावास को बंद भी नहीं किया, लेकिन क्या यूएनजीए से मान्यता मिलेगी? यूएनजीए एक ऐसा मंच है, अगर वो मान्यता देता है तो इसका मतलब तमाम ज्यादातर देशों ने अपनी मान्यता दे चुके होंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा तालिबान के लिए। उनको इसके लिए अभी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को और तालिबान को भी वेट एंड वॉच करना होगा। आपके कहने भर से सिर्फ नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।